Friends, this channel is purely a very simplified method of music education for aspiring students who are interested in learning Indian classical music. नमस्ते दोस्तों, जब संगीत सीखना शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले संगीत के 7 मुख्य स्वर सिखाए जाते हैं। आज हम काली 4 पट्टी से वो मुख्य 7 स्वर सीखेंगे। अब आगे की स्लाइड पर दिए गए चार्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले ये सुरों की प्लेसमेंट्स देख लेते हैं। इस कीबोर्ड पर ये प्लेसमेंट्स, ये चाबियां जो स्ट्रक्चर्ड है, इसको अब समझ लेते हैं। इसकी समझ हो जाने के बाद अगले स्लाइड पर जो उसके रेफरेंसेस दिए हैं वो समझने में आपको आसानी होगी। संगीत में 7 सुरों के गट को, 7 सुरों के ग्रुप को सप्तक कहते हैं, और नॉर्मली ये समझाने के लिए सफ़ेद 1 से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये काले हैं, काले काली चाबियां हैं, ये सफ़ेद चाबियां हैं। अब ये सफ़ेद, ये पहली जो है ये सफेद 1, ये है सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7। यहां से फिर शुरुआत हो रही है, सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7। यहां से फिर शुरुआत हो रही है, सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7। ये फिर शुरुआत हो रही है, सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6, सफ़ेद 7। ये फिर शुरुआत हो रही है, सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6, सफ़ेद 7। अब ये समझ लीजिए, ये हुआ सफ़ेद 1 नंबर 1, ये हुआ सफ़ेद 1 नंबर 2, ये हुआ सफ़ेद 1 नंबर 3, ये हुआ सफ़ेद 1 नंबर 4, ये हुआ सफ़ेद 1 नंबर 5। ये काली चाबियां हैं, इनको समझते हैं। ये 2 काली चाबियों का जो ग्रुप है, इसमें से पहली वाली जो है इसको कहते हैं काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। ये फिर आ गई काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। ये फिर आ गई काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। ये फिर आ गई काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। फिर काली 1, काली 2, काली 3, काली 4,
काली पांच। अब आगे समझ लीजिए, ये काली एक नंबर एक, ये काली एक नंबर दो, ये काली एक नंबर तीन, ये काली एक नंबर चार, ये काली एक नंबर पांच। इस चार्ट को देखिए, ऊपर का आरोह सेक्शन देखिए, इसमें कॉलम्स बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में जो पहले सेल में स्वर लिखा है, उसके सामने सारे सप्तक के स्वर हैं, सारे ग म प ध नि सा रे ग। ये ऊपर के सा रे और ग स्वरों के ऊपर डॉट नजर आएगा, यानी ये है तार सप्तक के सुर। फिर सेल नंबर वन रो नंबर टू में देखिए, बाजा पर चाबी नंबर। ये बाजा पर चाबी नंबर में जो लिखा है सा के नीचे काली चार दो, इसका मतलब आपको अच्छी तरह समझ आएगा जब आप पहले स्लाइड्स पे जो कीबोर्ड की स्ट्रक्चर बताई गई है उसको अगर ठीक तरह से समझ ले। उसी तरह ये सारी बाजा पर चाबी नंबर जो भी लिखे हुए हैं, इसकी आपको समझ होगी पहले स्लाइड्स पर जो कीबोर्ड पे बताया गया है स्ट्रक्चर उसको देखकर। अब सेल नंबर वन रो नंबर थ्री, वहाँ पे लिखा है उंगली नंबर। तो आप अगर दाई हाथ से बजा रहे हो, राइट हैंड से, तो ये नंबर्स प्लेसमेंट आपको करना है उस स्वर पर। मध्य सप्तक का सा बजाने के लिए उंगली नंबर दो, रे बजाने के लिए तीन, ग बजाने के लिए एक, म बजाने के लिए फिर दो, प बजाने के लिए तीन, ध बजाने के लिए एक, नी बजाने के लिए दो, तार सप्तक का सा बजाने के लिए तीन, तार सप्तक का रे बजाने के लिए चार, तार सप्तक का ग बजाने के लिए पांच। अब इसी का रिवर्स नीचे है अवरोह, अवरोह चार्ट में देखिए तो इसी का रिवर्स आपको दिखाई देगा। अब सेल नंबर वन रो नंबर फोर वेस्टर्न नोट। वेस्टर्न नोट यानि ये जो सारे गम है उसके इक्विवेलेंट वेस्टर्न स्वर। सा के नीचे लिखा हुआ है जी शार्प टू। जी शार्प टू का मतलब है ये जी शार्प दूसरा या काली चार दूसरा। रे के नीचे लिखा है ए शार्प टू यानि दूसरा ए शार्प दूसरा काली पांच। और ये लास्ट रो में अगर देखोगे तो वहाँ पे एच जेड लिखा हुआ है। एच जेड का मतलब है हर्ड्स। सुरों को नापा जाता है हर्ड्स में। इसकी आपको अधिक जानकारी अगर आप नोट रिकग्नाइजर एप्लीकेशन इस्तेमाल करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये हर्ड्स क्या होता है। मेरे वीडियो टाइटल परफेक्टिंग योर काली फोर सूर्स टेक्नोलॉजिकली, इस वीडियो में डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। सबसे नीचे देखिए ये फिंगर नंबर्स का एक चार्ट बनाया है, राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड का, जो समझना बड़ा आसान है। चलिए दोस्तों अब अभ्यास करते हैं काली चार पट्टी में आरोह अवरोह का। आज सबसे पहले हम सीख रहे हैं इन सात शुद्ध स्वरों को गाना और बजाना। ये है दाई हाथ से, मैं काली चार से शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों एक बात याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, कोई भी राग हो उसका सप्तक जो होता है वो सा से सा तक ही होता है। मतलब सा रे ग म प ध नी सा। ये ऊपर
चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। सा, सा से चढ़ गया रे, रे से चढ़ गया ग, ग से चढ़ गया म, म से चढ़ गया प, प से चढ़ गया ध, ध से चढ़ गया नी, नी से चढ़ गया सा। अब हमारी शुरुआत हुई है मध्य सप्तक के सा से, सा रे ग म प ध नी, यहाँ तक हो गया मध्य सप्तक। अब ये सा से ऊपर तार सप्तक शुरू होता है। अब हमारे इस एक्सरसाइज में हम ये तार सप्तक का रे और तार सप्तक का ग भी ले रहे हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप सिर्फ ये सा से तार सप्तक सा और फिर तार सप्तक सा से फिर नीचे की तरफ आओगे, ऐसी रियाज करते रहोगे, तो आपका आपकी आवाज़ की रेंज इतनी ही लिमिटेड रहेगी। और आम तौर पे बहुत सारे गानों में तार सप्तक के भी चार पांच सुर लगते हैं, तो वो आसानी से लगने के लिए हम हमारी रियाज तार सप्तक के रे और ग तक कर रहे हैं, ताकि जब ये दो फ्रीक्वेंसीज स्ट्रांग हो जाए तो आगे और दो फ्रीक्वेंसीज भी हम चढ़ने की कोशिश कर सकेंगे। ये वजह है कि ये सारे एक्सरसाइजेस काली चार में जो बजाए गए हैं एक्सरसाइजेस, वो सारे तार सप्तक के रे और तार सप्तक के ग तक हैं। अब शुरुआत करते हैं रियाज की। मैं पहले सारे ग म प ध नि सा रे ग, ग रे सा नि ध प म ग रे सा, ये बजाऊंगा और गाऊंगा। बाद में मैं फिर सिर्फ बजाऊंगा। जब वो बजते हुए फ्रीक्वेंसीज के साथ आपको आपकी आवाज़ मिलानी है। Thank you.
ये हुआ आज अपना आरोह और अवरोह का अभ्यास। इसे मन लगाकर कीजिए ताकि आपके सुर पक्के हो जाए और आपकी तरक्की जल्दी हो जाए।